इंदौर में बीजेपी नेता गोविंद मालू ने आरएसएस और भाजपा के दिवंगत नेताओं, प्रचारकों, शहीदों, सैनिकों और कोरोना योद्धाओं का श्राद्ध कर तर्पण किया। बालू ने कहा, जो लोग समाज के लिए जीते हैं उनके प्रति ये हमारा दायित्व है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। श्राद्ध पक्ष में इंदौर में एक विशेष आयोजन भाजपा नेता और खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष गोविंद मालू ने किया। देश के शहीदों, महापुरुषों, भाजपा और आरएसएस के दिवंगत कार्यकर्ताओं, स्वयं सेवकों और नेताओं, प्रचारकों, संतों और कोरोना योद्धाओं का एकादशी के दिन आनंद गोष्ठी के द्वारा श्राद्ध कर तर्पण किया गया। पंडित पवन तिवारी और संतों के सानिध्य में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए यह आयोजन किया गया। मालू ने कहा, समाज के लिए जो जिए उसके प्रति हमारा दायित्व है, वह पूरा कर रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तियों की आत्मा हमें सुपंथ पर ईमानदारी से जनसेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा करने का सामर्थ्य और शक्ति दे। यह हमने पुरखों को श्राद्ध कर उनका स्मरण करते हुए उनसे कृपा बरसाने का आवाहन किया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पितृ तर्पण का कार्यक्रम संस्था आनंद गोष्ठी द्वारा हम करते आए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिवंगत हमारे नेता और स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया, देश के लिए जिन्होंने अपना अर्पण किया सर्वस्व, उन लोगों के प्रति, देशभक्तों के प्रति, सेनानियों के प्रति, शहीदों के प्रति और अब कोरोना योद्धा के प्रति इस बार मैंने तर्पण का यहाँ पर जो संकल्प लिया था वो पंडित पवन तिवारी जी के सानिध्य में संपन्न हुआ। ये तर्पण उनको याद करने का एक अवसर है और हम उनसे कामना करते हैं कि हम वो हम पर कृपा करें और हमारे जो देश पर आए हुए संकट, जो विश्व पर आए हुए संकट से हमें से मुक्ति दिलाएं और सबको सुख समृद्धि और सौभाग्य के वो संवाहक बने। हम इस निमित्त हर वर्ष हमारे पार्टी के भी, देश के भी दिवंगत नेताओं को का तर्पण मैं करता हूँ। इस बार ये आयोजन क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग के कारण बहुत छोटा था, सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति थी, लेकिन ये क्रम नहीं टूटा और एकादशी के दिन विशेषकर ऐसे सेनानियों, ऐसे नेतृत्वकर्ताओं को का तर्पण होने का विधान है माननीय हमारे भागवत कथावाचक और कथा व्यासपीठ के अधिष्ठाता, व्यासपीठ से प्रवक्ता, उन्होंने हमें ये सब बताया और इसी निमित्त हमने एकादशी का दिन चुना और आज हमने ये तर्पण किया है। हमारे कई सारे साथियों ने भी मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस तर्पण अनुष्ठान में हिस्सा लिया है। मैं सब दिवंगत आत्माओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, कामना करता हूँ कि वे हम पर कृपा बरसाएँ, हमारे देश को सुख समृद्धि प्रदान करें नागरिकों को और कोरोना इस संकट और संक्रमण से मुक्ति दिलाएं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।